पीला मोजेक रोग से होशंगाबाद जिले भर में सोयाबीन की फसल बर्बाद होने के बाद मंगलवार को सिवनी मालवा के क्षेत्रीय विधायक प्रेमशंकर वर्मा निरीक्षण के लिए ग्राम थुआ झकलायक चापड़ा ग्रहण सहित टप्पा तहसील शिवपुर के अंतर्गत आने वाले अन्य गांवों में किसानों के खेतों में पहुंचे। जबकि पिछले 15 दिनों से जिले भर के किसान पीला मोजेक बीमारी के चलते ज्ञापन सौंप कर सर्वे कराए जाने की मांग कर रहे हैं। दो दिन पहले नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर द्वारा कृषि अधिकारियों को खेतों का सर्वे किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अब विधायक भी अब किसानों के खेतों में पहुंच अधिकारियों को खराब हुई फसलें दिखा रहे हैं। विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सिवनी मालवा विधानसभा में अतिवृष्टि एवं पीला मोजेक से होने वाले नुकसान का शीघ्र सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाया जाए। सिवनी मालवा विधानसभा के अधिकांश क्षेत्रों में अतिवृष्टि एवं हवा से मक्के की फसल आड़ी होकर खराब हो चुकी है। वहीं सोयाबीन की फसलें पीली पड़कर खराब हो चुकी है। विधायक ने कहा, इस कोरोना संकट काल में किसान बहुत परेशान है एवं फसलों की हालत देखकर किसान बहुत दुखी है। इसके बावजूद बर्बाद फसलों का ना सर्वे हुआ है ना किसानों को मुआवजा मिला है, जिससे किसान इस कोरोना के दौर में दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा, मौसम की मार से किसानों की आर्थिक दशा भी काफी खराब हो चुकी है। वह कर्ज में दबकर अपना और परिवार का जीवन यापन करने को मजबूर है। मैं सिवनी मालवा में हुए फसलों के नुकसान से मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराऊंगा। टोटल नुकसान है 100% नुकसान है। इसमें तो लागत लग गई किसानों की, और लागत निकलना तो क्या मतलब, वो तो कटाई से भी महंगा है, इसको कटवा भी नहीं सकते। पास की जेब के ही पैसे लगे। बिल्कुल, इसमें तो यही सलाह आया था, इसको दोबारा पकड़ दो। 100% नुकसान है इसमें। बाकी खेत बना के टाइम पे तैयार कर लेना चाहिए, ताकि इधर आने वाली फसल है वो समय पे अपन बो सके।